Hello everyone, I'm back after quite a long time. So inverse trigonometry is our topic today. So first we have to understand, all of us know about what is domain, what is range. ठीक है ना? Domain range के बारे में सबको पता है, वही चीज पहले जानना पड़ेगा इस चैप्टर में. All of you know what is domain and what is range. Domain refers to the set of values covered up in x and range क्या होता है? जो cover up होता है y पे. अब जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आता है, हम लोग टर्म्स के साथ तो फैमिलियर हैं, साइन इनवर्स विल कम, कॉस इनवर्स विल कम, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, आफ्टर दैट सेक इनवर्स एक्स एंड देन कोसेक इनवर्स एक्स. ये सारे इनवर्स फंक्शंस हैं जिसका हमें डोमेन रेंज जानना है. मैं सिंपल सा बात बताता हूँ, अगर किसी को लेमैन को आइडिया ही नहीं है फंक्शन क्या है. सपोज एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो उसका इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स एक्स. दिस इज व्हाट इनवर्स फंक्शन. तो जनरली व्हेन एवर आई इन्वर्ट समथिंग, अब इसके लिए एक्स बिकम्स माय, क्या होता है, एक्स बिकम्स वाई एंड वाई बिकम्स एक्स. लॉजिक ये, या तो टू गेट दिस एफ ऑफ एक्स से एफ इनवर्स एक्स पाने के लिए व्हाट डू वी डू, टेक रिफ्लेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स. ऐसे रिफ्लेक्शन हम लोग कर दें तो बात बन जाए, वाई इक्वल टू एक्स पर रिफ्लेक्शन कर देते तो एक्स वाई हो जाता है, वाई एक्स हो जाती है. तो ऑरिजिन की अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेंगे तो, है ना? तो ये बेसिक नॉलेज है. बट इन सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कंडीशंस टू बी अ फंक्शन. Conditions to be a function. मैंने relation and function में already समझाया था. One man function हो सकता है, हाँ जी हो सकता है. Many man हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है. But one many नहीं हो सकता है. समझ रहे हो? Because मैंने example क्या दिया था, function is just like marriage. एक एक के साथ करो, legal है. बहुत जन जब एक के साथ कर रहे हो, सपोज मैं हूँ, मेरा फ्रेंड है और कोई, हम लोग का एक ही जन से शादी हो रहा है, बट हम लोग तो लॉयल है ना, हम तो एक ही से शादी कर रहे हैं, हमें नहीं पता दूसरा भी कर रहा है. तो इट्स लाइक मेनी विथ वन, बट दैट इज ऑल्सो लीगल बिकॉज अदर्स डोंट नो कि सामने तो वन है ना, वो लोग देयर लॉयल टू वन. बट वन में अगर तुम ऑफिशियली बोलोगे घर में कि पापा मैं इससे भी करूंगा, उससे भी करूंगा, उससे भी करूंगा, सबसे मुझे शादी एक ही साथ करना है, तो क्या हो गया? इलीगल हो गया. दिस इज रॉन्ग. सो फंक्शन में ये दो चीजें वैलिड है. एंड ग्राफिकली अगर समझ लें, ग्राफिकली क्या बोला जाता है फंक्शन के लिए, अ वर्टिकल लाइन शुड नॉट क्रॉस द फंक्शन मोर देन वन प्लेस. वर्टिकल लाइन शुड नॉट cut the curve more than once. कहने का तात्पर्य ये है, suppose there is any diagram like this. मैं एक vertical line खींचता हूँ, एक से ज्यादा बार कट किया, एक दो तीन, एक से ज्यादा बार, not a function. कहीं पर भी अगर वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा बार कट कर रहा है, इट इज नॉट ए फंक्शन. हॉरिजॉन्टल लाइन जितना बार कट करे कल्च कर सकता है, नॉट एन इश्यू. ठीक है, बट वर्टिकल लाइन शुड नॉट क्रॉस मोर देन, बिकॉज क्या होता है देखो, ये एक ही एक्स की वैल्यू है, इसमें अलग अलग वाई आ रहा है. इधर का एक आंसर है वाई वन, इधर का भी एक अलग आंसर है वाई टू, इधर का भी अपना अलग आंसर है वाई थ्री. तो एक ही एक वन का देर आर मेनी आंसर्स. So which one is true? एक का बहुत सारा आंसर तो नहीं हो सकता, एक ही क्वेश्चन का चार पांच आंसर तो नहीं लिख सकते. सिंपल सा बात है. That's why this is not a function. But horizontally अगर ऐसा कुछ हो रहा है, suppose मान लो इस तरह का कुछ है, and I am putting a horizontal line, तो it is also cutting more than once. But it is a function, क्योंकि vertical तो नहीं काट रहा है ना more than once. It is a function. क्यों? देखो यहाँ का एक x का वैल्यू है x1, यहाँ का एक x का वैल्यू है x2, यहाँ का भी x का वैल्यू है x3, और इन तीनों का आंसर एक ही है. तो दिस इज लाइक व्हाट, 1 2 3 मेनी
फंक्शंस आर हैविंग वन आंसर, तो ये किस तरह का है, ये मेनी वन है, एंड हम लोगों को पता है मेनी वन इज लीगल, यहां बताया गया मेनी वन, बट वन मेनी इज नॉट लीगल, यू अंडरस्टैंडिंग दिस, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, तो कभी भी फंक्शन चेक करने के लिए ड्रॉ एनी हॉरिजॉन्ट सॉरी वर्टिकल लाइन, अगर वो एक से ज्यादा बार क्रॉस कर रहा है तो क्या है, नॉट अ फंक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करो अगर एक से ज्यादा बार कट कर रहा है मेनी वन, और अगर एक ही बार कट कर रहा है इट इज वन वन, अंडरस्टूड हाउ टू रिकॉग्नाइज फ्रॉम कर्व, प्लीज नोट दिस डाउन, देन आई विल प्रोसीड। सो सबसे पहले एक सिंपल सा केस हम ले लेते हैं, पहले मैं साइन एक्स की कर्व देख लेता हूं, साइन एक्स सबको पता है कैसा होता है, साइन एक्स डायग्राम इज लाइक दिस, साइन 0 0 होता है, तो ऑल ऑफ यू नो इट इज लाइक दिस, इस तरफ भी कर लेते हैं नो प्रॉब्लम, इस तरह का होता है, एंड ऑल ऑफ यू नो दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2, ये अपना पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई एंड सो ऑन, सिमिलरली पीछे भी आएंगे तो माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है इसकी 1, एंड मिनिमम वैल्यू कितनी होती है माइनस 1, The maximum value is 1 and minimum value is minus 2. तो अभी पहले sin x का domain range के बारे में सोचते हैं। Domain पूरा ये तो चलते ही जाता है। तो पूरा entire minus x से लेके plus x तक, तो domain क्या ले सकते हैं? All real। सारा का सारा। और देखो पहली बात, यहाँ पे कहीं पे भी vertical line खींचो, एक से ज़्यादा बार cut कर रहा है। Don't think x and y axis, curve का खाली सोचो। कहीं पे भी cut, एक ही बार cut, तो ये function है कि नहीं है? Yes, function. तो डोमेन क्या हो गया रियल, और रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है वैल्यू, y की वैल्यू, तो कहां से कहां तक वो लाइन कर रहा है, माइनस वन से लेके वन तक, उसके ऊपर तो नहीं जा रहा है ना ही उसके नीचे आ रहा है, तो माइनस वन से लेके वन दैट टू क्लोज्ड, क्योंकि इंक्लूडेड है ना, वन टच कर रहा है ना, बट अब जब हम लोग साइन इनवर्स x की तरफ जाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। In case of sine inverse x, what did I say? ये x-axis था तुम्हारा, ये y-axis था। Reflection हो जाता है, obviously यहाँ से ही मैं diagram बनाता हूँ। Suppose ऐसा कुछ होता है, x equals to y वाली line, x equals to y वाली line तो ऐसे ही जाता है ना? This line is y equals to x, क्योंकि जब x one होगा y भी one, x two तो y one, ऐसा। अब इसके about जब reflection मैं करूँगा, थोड़ा ध्यान से देखो। ये जो ऐसे घुमाए ये यहां से ऐसे घूमेगा कि आर यू अंडरस्टैंडिंग, सपोज मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ऐसा लाइन है, सपोज यहां से ऐसे गया है तो इस तरफ रिफ्लेक्शन होगा तो कैसे आएगा, देखो ना ये जैसे अप पॉइंट तक गया है ये भी अप पॉइंट तक वैसे जाएगा, फिर वो आगे वैसे गया तो ये इधर घूमेगा, सिंपल सा बात है, ये अगर यहां पे ऐसे यू हुआ है तो ये भी इधर होगा ना, सो एग्जैक्टली ये जैसे चला है ये कहाँ पे चले, बस कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, डायग्राम इस तरह का कुछ होता है, ये अपन का x ही रहेगा ये y रहेगा, बट x की चीज y चला जाता है, y का चीज x में आ जाता है, मतलब द डायग्राम बिकम समवट लाइक दिस, मतलब आगे चलते जाएगा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ऑब्वियस बात है यू सी ना, सी में बोथ द फिगर्स, ये है लाइन बीच में, ये ऐसा है जैसे चलते जाएगा उधर भी चलते जाएगा, है ना, अगर मैं कर भी लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा देख रहे हो ना पूरा परफेक्ट, यहां से देखो यहां से इसका डिस्टेंस इतना, यहां से इसका डिस्टेंस उतना, चलते जाएगा ना ये बॉटम पॉइंट में, यहां से इतना डिस्टेंस इसका भी उतना, क्लियर? हाँ। अभी बिकॉज यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस नहीं है तो मैं डाउट हो रहा हूँ, बट एक्सिस में देख लो वैसे ठीक, ये ऐसा है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ अगर मैं वर्टिकल लाइन खींचू, सपोज यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन खींचा, ये तो भाई बहुत बार मीट कर रहा है, मैंने तो आधा डायग्राम बनाया ही नहीं, बनाते जाऊंगा तो मीट 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 मेनी प्लेसेस इट इज मीटिंग, और वर्टिकल लाइन अगर बहुत सारी जगह मीट कर रहा है देन इट इज व्हाट, नॉट अ फंक्शन, तो लॉजिकली इट इज गेटिंग व्हाट, नॉट अ फंक्शन,
बट इसी चीज के लिए टू मेक इट अ फंक्शन, टू मेक इट अ फंक्शन वी रेस्ट्रिक्ट इट्स रेंज. क्या करते हैं हम लोग, वी रेस्ट्रिक्ट इट्स रेंज, क्योंकि जो दिक्कत है वाई में है ना, एक्स में तो नहीं है, तो वाई में है. तो वाई को अगर रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, देखो सीधी सी बात है, जब ये ऐसे घूम रहा है सेम चीजें रिपीट हो रही है ना, एक बार ऊपर घूमा फिर ऊपर घूमा, देखो ये ऑब्वियस बात है. जी क्या 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 कहते हो तुम लोग, ये इसको वन कहते हो, इसको माइनस वन, क्योंकि अभी सब उल्टा हो चुका है. फिर यहाँ पे पाई बाई टू पाई एस चलते जाएगा. तुम देखो एक बार वन तक पहुंचा, वापिस वन से जीरो तक आए, तो फिर जीरो से माइनस वन गया, फिर माइनस वन से जीरो, यही चल रहा है. तो एक ही जगह को हम लोग बार बार ट्रेवल कर रहे हैं. बट वो क्या कह रहा है कि फंक्शन बनाने के लिए हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है. सो व्हाट आई डू, आई रेस्ट्रिक्ट इट्स रेंज. हमेशा रेस्ट्रिक्टिंग रेंज जब करते हो दो चीजें दिमाग में रहनी चाहिए. पहला बात ये रहना चाहिए कि हमें टोटल कवरअप तो देना ही है. जैसे कि एक बार वन तक जा रहा है, माइनस वन तक जा रहा है, तो हमें भी माइंड में यही रखना है, वी हैव टू कवर द एंटायर थिंग, पॉजिटिव पार्ट भी नेगेटिव पार्ट भी. दूसरा इन माइंड, वी शुड नॉट रिपीट, ठीक है ना. सबसे पहला पॉइंट जो है, वी नीड टू कवर व्हाट, अपवर्ड्स एज वेल एज बैकवर्ड. टारगेट ये रहना चाहिए, वी शुड ट्राई टू बी कंटिन्यूअस, ये और एक होना चाहिए. वी शुड ट्राई टू बी एज कंटिन्यूअस एज वी कैन, कंटिन्यूटी याद है ना. टारगेट ये रहना चाहिए, मतलब ब्रेक ना हो फंक्शन. तो यू शुड ट्राई टू बी एज कंटिन्यूअस एज यू कैन, ये दो चीजों को हमें ध्यान में रख के चलना है. तो हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं रेस्ट्रिक्शन से करता हूं कैसे करना है. तो जो मैंने बोला रेस्ट्रिक्ट तो मुझे करना है, थोड़ा यहां डायग्राम में दिखाता हूं, ये जीरो है. तो मैंने मुझे क्या करना है, एक अप एक बैक. तो अप में मैं चलता हूं, मैं यहां से अगर रोक दूं तो काम हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां से घूमने से ही ना दो बार रिपीट हुआ, एक लाइन वर्टिकल लाइन इज कटिंग ट्वाइस. बट अगर मैं यही रोक दूं काम खत्म. सिमिलरली अपवर्ड पार्ट पूरा कवर हो गया, मैं इधर लाऊंगा डाउनवर्ड पार्ट भी कवर करने के लिए, फिर यहां पे क्या है डाउनवर्ड पार्ट भी खत्म. इसको ले जाऊंगा तो वापस लाइन खींचूंगा तो दो बार रिपीट हो रहे. तो डायग्राम अभी कैसे हो जाएगा, थोड़ा मोटा मोटी देख लो, समझ जाओगे तुम लोग. इट विल बी फ्रॉम हियर टू हियर लाइक दिस एंड लाइक दिस. यहां पर I understand this point. तो obvious बात, all of you knew this is how much. ये था अपना one, ये था minus one, ये zero से ये वाला position क्या था? Pi by two. ये क्या था? तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लेंगे? This one is how much? Pi by two, and this position is how much? Sorry. इसको कर लो, कितना है माइनस फाइव बाई टू, दिस इज योर वन, ठीक, एंड दिस वन इज योर माइनस वन. अब रेस्ट्रिक्ट हो गया, फायदा क्या है, ऊपर कवर हुआ नीचे भी कवर हुआ, कंटिन्यूअस है ना, रोके क्या, नहीं रोके. आई अंडरस्टैंड, हाँ, ओरिजिन के उधर रखे एक इधर रखे. तो बस नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ साइन इनवर्स एक्स. अब वर्टिकल लाइन खींचो, एक से ज्यादा बार कट कर रहा है, नो ओनली वंस, ठीक. हॉरिजॉन्टल भी खींचो, मोर देन वंस कट कर रहा है, नहीं, तो क्या पता चला, हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार कट कर रहा है तो इट इज 1 1, वर्टिकल लाइन भी एक ही बार कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इट इज अ फंक्शन, ठीक है. तो ये 1 1 फंक्शन, एंड डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन का मतलब x की वैल्यू. x में देखो क्या है, कहां से कहां तक है, माइनस 1 से लेकर 1, तो माइनस 1 टू 1 क्लोज. रेंज, रेंज कहां से कहां तक, यहां से लेकर ऊपर तक, वो भी क्लोज, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्लोज. अंडरस्टूड, कैसे इनवर्स का डोमेन रेंज पहला बात है. देखो तुम्हें स्कूल में खाली बता देंगे, याद कर लो, ये आता कैसे समझ में, ठीक है, इसीलिए ट्यूशन आते. चलो नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कॉस का, कॉस इनवर्स. So first I will draw the diagram of cos x.
cos x का सबको पता है मैक्सिमम से चालू होते हैं, सो इट इज लाइक समवन लाइक दिस, मैं ज्यादा नहीं करता हूं लाइक दिस, है ना। तो ऑल ऑफ यू नो दिस इज जीरो, दिस इज हाउ मच, पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, ऐसे सेम गोज हियर, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 एंड माइनस 2 पाई, एंड लिमिट्स जो है ये क्या है, ये 1 और ये क्या है माइनस 1 एंड दिस इज योर 1। तो डोमेन और रेंज बता दो एक बार के लिए, डोमेन देखो पूरा चलते जा रहा है, इधर भी चलते जा रहा है, सो व्हाट विल हैपन, डोमेन इज ऑल रियल राइट साइड और लेफ्ट साइड, एंड रेंज रेंज इट इज गोइंग फ्रॉम वेयर, माइनस 1 टू 1 इट इज कवरिंग, सो दिस इज माइनस 1 टू 1 क्लोज्ड, क्लियर। अब cos इनवर्स समझते हैं, सो व्हेन आई नीड टू गो टू cos इनवर्स x, सबसे पहला बात हमें पता है दो तीन चीज, ये भी ऐसे जब घुमा देंगे रिपीट होते चलेगा, ऑब्वियस बात है ये डायग्राम अगर ऐसा हो जाएगा वर्टिकल लाइन बहुत बार क्रॉस करेंगे, तो पता है हम लोगों को क्या करना है, एक अपर पार्ट लेना है एक लोअर पार्ट, एंड एज मच एज कंटिन्यूअस पॉसिबिलिटी सोच के, तो यहीं से देख लेते हैं अपर पार्ट और लोअर पार्ट में किसको सिलेक्ट करूंगा। देख लो अगर ऑब्वियस बात है मैं सेंटर से चूज करता हूँ, सेंटर से जब देख रहा हूँ आगे ये वाला कौन सा पार्ट है अपर पार्ट, इसके पीछे भी आ रहा हूं तो ये वाला कौन सा पार्ट है अपर, नहीं समझ पा रहे, मैं दिखाता हूं यहां पे डायग्राम ड्रॉ करके, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ वाई एक्सिस की तरफ उठा, तो वही चीज यहां पे किस तरफ उठेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, सो मतलब द डायग्राम विल बी समवॉट लाइक दिस, ऐसा कुछ, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट और कंटीन्यूअस, तो पहले मैं पॉजिटिव पार्ट में देखता हूँ, पॉजिटिव पार्ट मतलब इधर, तो एक अपर पार्ट किधर आएगा बताओ सर, सीधी सी बात है ये कितना है, ये है माइनस 1 और ये क्या है 1, फिर ये है मेरा 0, ये मेरा क्या है पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2, सिमिलरली माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 इस तरह का। तो पहले क्या लेना है, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट, और हाँ तो पहले किधर ढूंढना है पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में देखो यहां से लेके यहां से मार्किंग करो, यहां से लेके यहां तक क्या है पॉजिटिव, बट मैं अगर पीछे आता हूँ नेगेटिव में वो भी कौन सा पार्ट है पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ है ना, लुक टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, ये भी ऊपर का पार्ट था ये भी ऊपर का पार्ट था, क्योंकि इसको और इसको लेने से क्या होगा लाइन खींचेंगे तो फिर भी दो बार कट हो रहा है कि नहीं, इफेक्ट एक लाइक दिस लाइन खींच रहा हूं तो इट इज कटिंग ट्वाइस ना, क्योंकि दोनों ही अपर पार्ट में है, तो मैं क्या सोचूंगा मुझे लोअर चाहिए था, तो अभी लोअर मुझे कहां मिल रहा है इधर से लेके यहां तक माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई के बीच, और एक लोअर कहां मिल रहा है पाई बाय 2 से लेके पाई के बीच में, तो थोड़ा मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं वापस, तो हमें दो चीजें मिल रही हैं, एक तो हमें मिल रहा है ये या अपर, फिर लोअर हमें यहां से मिल रहा है ऐसे देखो माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ये टिल पाई बाय 2 है फिर हमें कहां से मिल रहा है माइनस पाई बाय 2 से ऐसा मिल रहा है, या तो हम ऊपर ले सकते हैं, ऊपर लेंगे तो किस तरह का मिल रहा है हमें, ये अपर था इमीडिएटली यहां पे लोअर मिल रहा है, इन तीनों में सबसे कन्वीनियंट कौन सा है कंटीन्यूअस भी है और अपर लोअर दोनों में से ये कंटीन्यूअस भी है, यहां पे क्या है अपर है लोअर है बट कंटीन्यूअस नहीं है, ये वाला क्यों डिसकंटीन्यूअस है ना, बट दिस वन इज व्हाट कंटीन्यूअस एंड अपर लोअर दोनों कवर, तो अगेन लेट मी ड्रॉ द प्रॉपर डायग्राम ऑफ दैट, सीधी सी बात है यहां से चालू होगा इट इज लाइक दिस, ठीक है। और अब सब लेवलिंग कर लेते हैं, ऑब्वियस बात है यहां से इसको नीचे एक बार लाओ तो ये क्या है माइनस 1, ये क्या है 1 और ये क्या है तुम्हारा पाई, दिस वन इज योर हाउ मच पाई बाय 2, यस देखो पाई बाय 2 पाई पाई तक ही तो हम लोग आए ना, है ना,
and rest everything is okay, zero. तो cos inverse का, this is cos inverse x. अभी vertical line खींचो, एक ही बार, horizontal भी खींचो, एक ही बार. तो ये किस तरह का है? One one function. So now what I can write? What is my domain? Domain मतलब x minus one से लेके one. Very good. And what is my range? 0 to pi, close to, if he close to, क्योंकि 0 भी included है, pi. देखो कितना अलग है, वहाँ minus pi by 2 square root, तो यही सब चीजें याद रखनी है, किसका क्या range है, क्या domain है, clear? No. Next is tan inverse. तो सबसे पहले tan x का कर लेते हैं, ठीक है? Tan x का curve कैसा था? थोड़ा अलग लगेगा अभी यहाँ पे. Tan के time हम लोग कैसे करते हैं? Tan 0 0 होता है. tan pi by 2 डायग्राम मैंने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है, फिर भी अगर याद ना हो तो ऐसा होता था ना. tan दिस इज 0, दिस इज pi by 2, दिस इज minus pi by 2, और आगे करना चाहे तो ऐसा, इट वाज लाइक दिस. pi by 2 के बाद क्या आता है? pi, देन क्या आता है? 3 pi by 2, ठीक, एंड सो ऑन. पीछे भी ऐसे कर सकते थे, बट अब इसको भी अगर ऐसे घुमा देंगे तो मोर देन वन कट करेगा. खुद सोचो, tan इनवर्स x, थोड़ा ध्यान से, जीरो से किधर गया है? पॉजिटिव x की तरफ, तो यहां भी कैसे जाएगा? जीरो से किधर जाएगा? नहीं, जीरो से गया है पॉजिटिव y की तरफ ऊपर, तो यहां पे कैसे जाएगा? जीरो से पॉजिटिव x की तरफ. सो इट विल गो समवन लाइक दिस, है ना? एंड नीचे भी तो कैसे जाएगा? लाइक दिस. अब दिस वन इज माय जीरो, यहां पे हम लोग क्या बनाएंगे डॉटेड में? इधर भी क्या होगा? डॉटेड लाइन. अभी मैं अगर और बनाऊं इसको, तो ये कहां बनेगा? इस जगह पे. देखो ये जैसा बना है एग्जैक्टली उसी तरह से ऐसे फिर से, और ये जैसा है तो वैसा ही एक और, बट वो जब बन जाएगा लाइन खींचेंगे, कट्स मोर देन वंस, नीचे भी अगर बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा मोर देन वंस, तो करना है नहीं? बट हमारा टारगेट क्या है? एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट. तो देखो यहीं से देख लो पहले, जीरो से ये अपर पार्ट हो रहा है, ऊपर तरफ जा रहा है, ये किधर आ रहा है? लोअर, और कंटिन्यूस भी है, जॉइंट है, तो मैंने वही बनाया. अपर पार्ट भी है, लोअर पार्ट भी है, और कंटिन्यूस भी है. सो ऑल ऑफ यू नो दिस इज हाउ मच, पाई बाय 2, दिस इज हाउ मच, माइनस पाई बाय 2. अब इसके लिए देखते हैं डोमेन क्या है. ऐसा तो पूरा चलते ही जाता है, तो तुम लोग क्या सोचते हैं? ऑल रियल, बट ऑल रियल नहीं, पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूटी. देखो जरा, ये ऊपर गया है, ये नीचे आया, टच हुआ है क्या पाई बाय 2 में? डिसकंटिन्यू. फिर कहां डिसकंटिन्यू है? 3 पाई बाय 2 में. ये ऊपर गया है, नीचे से चल रहा है. सो r माइनस हम लोग लिखेंगे 2n माइनस 1 या प्लस 1 जो भी ले लो, 2n प्लस 1 पाई बाय 2. n को 0, तो 0 लेने से 2 इंटू 0 प्लस 1, तो खाली पाई बाय 2 इधर डिसकंटिन्यू. n को 1 लो, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3 पाई बाय 2 डिस्कंट. n को माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू 2, माइनस 2, माइनस 2 प्लस 1, माइनस पाई बाय 2 इधर, समझ गए? और इसका रेंज जो है, रेंज जो है पूरा ऑब्वियस बात है, पूरा नीचे माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी तक एक ही बार में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? बट व्हेन आई कम टू tan इनवर्स x, अब ये भी मुझे क्या दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल काट का तो 1 1 ही दिख रहा है, ठीक है? मोस्टली ऑल इनवर्स फंक्शंस आर 1 1, ठीक. तो अब इसका डोमेन देखते हैं, व्हाट इज इट्स डोमेन? खुद देख के बताओ सर, मतलब x की वैल्यू पूरा यहां से लेकर वहां तक जा रहा है, ऑल वे, है ना? एंड रेंज, रेंज कहां से कहां तक है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, बट पाई बाय 2 को टच किया है ना? माइनस पाई बाय 2 पे टच किया नहीं, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जरूर लिखूंगा, बट ओपन ब्रेसेस, क्योंकि टच नहीं किया ना,
उस सब जगह में स्क्वायर आता था, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, यही सब चीजों को ध्यान में रखना है। बहुत जन टाइम में डाल देते हैं गड़बड़। क्लियर? नोट करो। सो नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कॉट, कॉट इनवर्स इनफैक्ट। तो कॉट का पहले डायग्राम बना लेता हूं। कॉट क्या होता है? कॉट का डायग्राम जीरो पे इंफिनिटी से होता है, राइट? कुछ इस तरह का। तो दिस इज जीरो, पाई बाय टू, पाई माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई, इस तरह से कुछ। ये कॉट का है, सीधा सीधा दिमाग में क्या चलता है, ऊपर का एक नीचे का और कंटिन्यूस। ऊपर का तो हमें दिख रहा है ये ऊपर, यहां तक ऊपर, इधर आके देखते हैं नीचे ये वाला है, बट ये ऊपर और ये वाला नीचे रहने से क्या है, डिसकंटिन्यू है, दिख रहा है ना? दिस वन इज अप एंड दिस वन इज डाउन, दिस इज डिसकंटिन्यूस। बट अगर मैं यही अप लू और इस डाउन को लू तो क्या है, तो अप भी हो गया, डाउन भी हो गया, कंटिन्यूस भी हो गया। तो मैं कौन से पार्ट को कंसिडर करूं, इसको और इसको? तो व्हेन आई ड्रॉ कॉट इनवर्स एक्स, दिस इज जीरो। देखो जीरो पे किधर गया है, प्लस इंफिनिटी की तरफ, तो जीरो पे वो किधर जाएगा, प्लस इंफिनिटी की तरफ। इट विल बी समवॉट लाइक दिस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लस इंफिनिटी से फिर कहां पे आया, पाई बाय टू, पाई बाय टू किधर था, एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स में, अभी पॉजिटिव वाई में, क्या होगा पाई बाय टू, फिर कहां पे है, पाई पे, पाई पे एक्स में, तो पाई पे किधर, ठीक। तो अभी इसका डोमेन देख लो, डोमेन क्या है, पूरा चलते जा रहा है ऑल रियल, एंड रेंज इज व्हाट, जीरो से लेके पाई, बट जीरो को भी टच नहीं किया, पाई को भी टच नहीं किया, जीरो टू पाई ओपन। इस जगह में डोमेन क्या था, ऐसे तो हर जगह होते जाएगा, तो ऑल रियल माइनस कहां कहां पर डिसकंटिन्यू है, जीरो पाई टू पाई थ्री पाई, तो आर माइनस एन पाई, एन को जीरो लेने से जीरो हो गया, वन लेने से पाई, टू लेने से टू पाई, एंड रेंज, रेंज तो पूरा देख रहे हो नीचे से लेके ऊपर तक जा रहा है, तो ऑल रियल। क्लियर? पक्का? नोट करो। नेक्स्ट इज sec इनवर्स x। तो पहले sec x का बना लेते हैं डायग्राम। ऑल ऑफ यू रिमेंबर sec का डायग्राम, एग्जैक्टली cot का उल्टा होता है, cos का। तो cos वाज लाइक दिस, तो sec उल्टा था, और ये पोजीशन क्या होती थी, 1, और इधर क्या माइनस 1, फिर यहां से कोई डॉटेड लाइन लेते थे। ट्राई टू रिकॉल, sec आई हैड ऑलरेडी टॉट इन 11th, एंड फिर यहां से it was like this, इस तरह से, it was sec। तो सीधा सा बात है, हमें एक अपर पार्ट लेना है, एक लोअर पार्ट लेना है ना, ठीक। तो अपर पार्ट में ये दिख रहा है, यहां से देखिए, फिर इसको भी ले जाऊंगा तो ऐसे जब होगा दो बार कट हो जाएगा वापस, बिकॉज दिस इज अपर, दिस इज ऑल्सो अपर, है ना? ये अपर, ये अभी लोअर कौन सा है, दिस इज लोअर, ये अपर और ये लोअर, डिसकंटिन्यू है, ठीक। इधर अपर, इधर भी अपर और इधर लोअर, तो डिसकंटिन्यूटी राइट साइड में भी है, डिसकंटिन्यूटी लेफ्ट साइड में भी है। कहां पे दूरी ज्यादा, इधर ज्यादा गैस है, तो इसको लेंगे क्या, नहीं, किसको प्रेफर करेंगे, अब बनाता हूं मैं sec इनवर्स x। देखो इसका डायग्राम इज वेरी क्रूशियल, जैसे यहां पे माइनस वन और वन मार्क किया, वैसे यहां पे भी कर लो, ये वन, ये माइनस वन, और भी मार्किंग समय करना पड़ेगा, ये जीरो, दिस वन इज हाउ मच, पाई बाय टू, दिस पोजीशन इज पाई, आफ्टर दैट थ्री पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू मतलब ऐसा हो जाएगा यहाँ, ठीक। सिमिलरली जीरो माइनस पाई बाय टू, दिस वन इज माइनस पाई एंड माइनस थ्री पाई बाय टू, ठीक। थोड़ा ध्यान दो, सबसे शुरुआती पॉइंट हम लोग जो ये पार्ट और ये पार्ट को लेंगे कौन सा है, लोकेशन देखो, वन, वन से किधर जा रहा है, पाई बाय टू की तरफ, पॉजिटिव,
तो वन इधर है, तो जीरो ये है, पाई बाई टू इधर है, पाई इधर है, तो पाई बाई टू पे जरा ध्यान दो, यहाँ पे पाई बाई टू पे डॉटेड लाइन बना है, तो इधर भी पाई बाई टू पे क्या बनेगा, डॉटेड लाइन बना। ध्यान दो, वन से जब पाई बाई टू की तरफ जा रहा है तो टुवर्ड्स इंफिनिटी जा रहा है, तो सेम वन से जब पाई बाई टू की तरफ जाएगा तो टुवर्ड्स इंफिनिटी जाएगा, लाइक दिस, अंडरस्टूड? अभी देखो पाई नीचे वाला पार्ट ये है, तो पाई और ये कौन सा माइनस वन, पाई और माइनस वन है वो पॉइंट, तो पता करो पाई और माइनस वन कहाँ पे, पाई इधर माइनस वन इधर, तो ये वाली पॉइंट है। तो ध्यान दो, जैसे करते हो ना ग्राफ्स में 0.2 तो पोजिशनिंग, तो दिस इज पाई, दिस इज माइनस वन, दिस इज अ पोजिशन, वहां से भी किधर आ रहा है, पाई बाई टू की तरफ टुवर्ड्स इनफिनिटी, तो वहां से भी किधर आएगा, पाई बाई टू के टुवर्ड्स, बट टुवर्ड्स नेगेटिव इंफिनिटी, तो यहां से कैसे आएगा, टुवर्ड्स नेगेटिव इंफिनिटी, और पाई बाई टू वाले डॉटेड लाइन के पास क्या है, डायग्राम बहुत अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बना। अब देख लो डोमेन क्या है, डोमेन इज वेरी इंटरेस्टिंग, एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर कहां तक आ रहा है, माइनस वन तक, हाँ, तो माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस वन, माइनस वन इज क्लोज, माइनस इंफिनिटी इज ऑलवेज ओपन, यूनियन, क्योंकि इंफिनिटी कभी क्लोज नहीं होता, नो वन हैज सीन इट, वन से फिर आगे जा रहा है, तो वन टू इंफिनिटी, वन इज इंक्लूडेड, है रेंज जरा ध्यान दो, जीरो से लेके पाई दिख रहा है, जीरो तो इंक्लूड है ही, पाई भी इंक्लूड, बट उस बीच में पाई बाय टू पे डिसकंटिन्यू है, तो व्हाट आई कैन राइट, 0 टू लेके पाई क्लोज्ड माइनस पाई बाय टू को बस हटा दिए, समझ में या कोई डाउट, पक्का क्लियर? अब यहां पे भी देख लो डोमेन रेंज बड़ा आसान है, डोमेन देखो पूरा एक्स तो चलते ही जाएगा फिर इधर फिर उधर, पर कहां कहां पे डिसकंटिन्यू है, पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू लाइक दिस, तो रियल माइनस 2n प्लस 1 एंड रेंज इज व्हाट, देखो माइनस इंफिनिटी से पूरा कहां तक आ माइनस वन, तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन, फिर वन से लेके पूरा ऊपर तक जा रहा है, तो वन टू इंफिनिटी, अंडरस्टूड? तो मैं पांच बता दिया, एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूं, ऑब्वियसली कोसेक इनवर्स खुद ट्राई करो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस, ओके, सो दैट इज योर होम टास्क, जस्ट वन असाइनमेंट, if you can do this then you can excel of graphs, okay?